तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर में हम बात कर रहे हैं आपके साथ डेटा टाइप्स में। डेटा टाइप्स की मदद से हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने RR/1 करके ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूं। और यहां हम देते हैं सबसे पहले मैं दो चीज करना चाहता हूं कि यहां पे हम Q1 इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स में हम बोल रहे हैं कि यहां पे कि एंटर Q1 सेल्स, फिर Q2 अंडरस्कोर, यहां पे सेम लिख रहा है इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर Q2 सेल्स। तो हमने यहां पे Q1 Q2 दो सेल्स लिए। अब इसको हम यहां पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि Q1 Q2 हमारा क्या है, इस पे डेटा टाइप्स में ये आएगा, क्या बोलते हैं, इंटीजर आएगा, लॉन्ग आएगा। तो यहां पे लिखते हैं डिम Q1 Q2 एज ए लॉन्ग, तो डिफाइन कर दिया। अब यहां पे एक और हम मुझे क्या करना है, मुझे ग्रोथ परसेंटेज निकालना है। तो ग्रोथ परसेंटेज जाहिर सी बात है कि वो डेसिमल में होगा, क्योंकि परसेंटेज एक्सेल में डेसिमल में होता है। तो आर एज ए यहां पे हम देते हैं डबल, और यहां पे लिखते हैं आर इक्वल टू इन दी ब्रैकेट हम लिखेंगे कि Q2 मतलब कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट रिजल्ट आए। अब मैं इसको MSG बॉक्स में यहां पे लिख देते हैं, आर को हम शो करवा दें। अभी रन होने पे क्या होगा, Q1 का वैल्यू मांगेगा जी फिर बिल्कुल। एंटर कर देंगी और आर में तो मैथ प्लस वन हो जाएगी। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए 50 दिया और 55 दिया तो रिजल्ट है, पर रिजल्ट क्या आया, डेसिमल्स में आया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई ए होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाता हूँ, आर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ 0.0% फॉर्मेट में, राइट। अब यहां हम रन करते हैं 50 एंड 55, तो देखिए 0% आए। ठीक है, रन 50 एंटर 55 एंटर, तो यहां पे देखिए 10% आया। अब इसमें एक दिक्कत और ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, तो मान लीजिए इसको हम कन्वर्ट ना करें, हम डायरेक्ट जो फॉर्मेट का फॉर्मूला यहां लगाया, सो मैं ऊपर लगा सकता हूँ कि आर इक्वल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमने R, 0.0%। अब प्रशांत जी बताइए कि इसमें क्या दिक्कत होगा।
एक कोड गलत दिखाएगा, क्यों बताता हूं आपको, कि 50 लिया 55 लिया, यहीं पे देखिए टाइप मिसमैच का एरर है, डिबग करेंगे तो सीधे यहां पे रेड चला जाएगा, तो ये आपको यहां पे बता रहा है कि इस लाइन में प्रॉब्लम है। रीजन क्या हुआ कि फॉर्मेट जो है टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है, फॉर्मेट टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट जो रिजल्ट भले ही परसेंटेज में दे रहा है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है। तो यहां पे हम कुछ ऐसा करें कि ऐसा ना, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, डबल हटा के वेरिएंट लेना हो, वेरिएंट इसलिए क्योंकि जब ए स्टोर करेगा तो डबल आ जाएगा और फॉर्मेट स्टोर करेगा तो टेक्स्ट आ जाएगा। समझाए प्रशांत जी कि नहीं? वेरिएंट ऑलराउंडर कहलाता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल वेरिएंट क्या कहलाता है, ऑलराउंडर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसीलिए आपको हमने यहाँ पे क्योंकि वेरिएंट लेना नहीं मजबूरी है, अगर वेरिएंट नहीं लेंगे तो इसको फिर मैं इधर स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएंट ना होने पर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? हाँ सर ठीक है। तो जब आप अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जो ले रहे हैं वेरिएबल वो आखिर है क्या। ठीक है सर, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या, इंटरेस्ट है ना, अमाउंट, इंटरेस्ट विद अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम डिम, हमें प्रिंसिपल चाहिए जो कि लॉन्ग है, डिम मुझे रेट चाहिए जो कि डबल है, मुझे टाइम चाहिए तो टाइम मुझे ईयर में डालना है, तो 256 ईयर से ज्यादा तो होगा नहीं और ईयर कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे इस पे बाइट ले लेंगे। अब पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर पी, इसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट कर दिए, पी की जगह पे मैं यहां पे कर देता हूं आर, इसकी जगह पे कर देता हूं टी टी। ठीक है, और यहां भी हम पी तो हो चुका है ऑलरेडी, तो यहां पे हम इसको आर इसको टी। अब आर जो आएगा वो डेसिमल जैसे 10% तो परसेंट सिंबल नहीं डाल जाएगा, परसेंट सिंबल डाल दे क्या हो जाएगा टेक्स्ट में हो जाएगा, इसलिए परसेंट सिंबल यहां पे नहीं डालेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या डालना है, तो यहां हम आर इक्वल टू आर डिवाइड बाय 100 कर देंगे ताकि वो परसेंट फॉर्मेट में डेसिमल में आ जाए, का नहीं मतलब है। अब मुझे यहां अमाउंट लेना है, तो यहां पे डिम अमाउंट एज ए हम डबल ले रहे हैं, फिर
अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय 12 की मंथली है, देन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 12, और इन सबको ब्रैकेट में डाल दी। ठीक है सर, अब यहां पे हम करते हैं एमएसजी बॉक्स के अंदर अमाउंट को कॉल। अब इसको रन करते हैं, एक मिनट, एक नाम के दो माइक्रो नहीं होगा। अब इसको रन करते हैं, यहां पे प्रिंसिपल मैंने 50,000 डाला, रेट हमने 5% डाला और टाइम मैंने 3 साल, तो ये देखिए आ गए। अब मुझे इसमें से डेसिमल हटाना है। अब मैं यहां अगर डबल को लॉन्ग कर दूं तो क्या दिक्कत होगी सर? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट लॉन्ग कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन एक और एग्जाम्पल बोलिए, वीडियो में हमने ये एरो लगाना, हमारे एरो इससे क्या काम होता है? ये नीचे ये एक पावर है, पावर पावर स्क्वायर निकाल, अच्छा पावर भी है, अच्छा पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट, मुझे मुझे यहाँ पे एमएम करके एक और माइक्रो बना रहा हूँ मैं, तो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे हम डिम कॉस्ट एज ए लॉन्ग लेते हैं, देन डिम अमाउंट एमआरपी एमआरपी एज ए डबल लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे कॉस्ट इक्वल टू यहां पे इनपुट बॉक्स और यहां पे देते हैं कि एंटर कॉस्ट। अब यहां हम देते हैं कि एम आर पी इक्वल टू एम आर पी का 5%, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 5% की मार्जिन रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। ठीक है सर, एमआरपी नहीं होगा, कॉस्ट होगा, यहाँ पे कॉस्ट, यहां भी हमारा होगा कॉस्ट। देन यहां अगेन एम आर पी इक्वल टू एम आर पी का 0.1% प्लस एम आर पी। इस तरह से हम एक ही वेरिएबल्स को दोनों तरफ यूज करते हैं, क्योंकि वीजी में क्या होता है कि पहले आपका राइट साइड वाला ए कैलकुलेट होता है, देन इसको अपडेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहां पे 3-4 कैलकुलेशन करनी है, एक ही कैलकुलेशन में यहां पे आपका हो जाएगा। समझे? तो सबसे पहले इनपुट से कॉस्ट लेने से, अगर मान लीजिए कॉस्ट हमने 50 दे दिया तो 50 का 5% निकालेगा और 50 ऐड कर देगा और जो रिजल्ट होगा वो एमआरपी पे स्टोर कर देगा, जैसे कि 52.5 को स्टोर कर दिया। अगली बार ये क्या करेगा, 52.5 का 10% जो कि 5.5 रुपए होगा वो निकालेगा, इसके अंदर ऐड करके 57 समथिंग इसके ऊपर स्टोर कर, और इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ता जाएगा। तो एम एस जी बॉक्स के अंदर में हम जो है एम आर पी को कॉल करते हैं। अब यहां पे इसको रन करेंगे, यहां पे 50 डाला तो इस तरह के डेसिमल प्लेसेस में आए। अब मैं चाहता हूं कि डेसिमल हटा दूं, जैसे कि मैंने यहां हटाने के लिए क्या किया था, हमने लॉन्ग कर दिया था, अपने अमाउंट को क्या कर दिया था, लॉन्ग कर दिया था।
बट यहां करना ठीक नहीं होगा, यहां हम एमआरपी को लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। रीजन रीजन है क्योंकि यहां पे कई सारी कैलकुलेशंस है जिससे मेरा परसेंट, मेरा जो डेसिमल पॉइंट है वो इफेक्ट हो सकता है और इससे रिजल्ट आपका एक दो पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है। सो यहां पे हम शुड बी राउंड का इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे? राउंड। अब यहां पर रन करता हूं, यहां पे मैंने 50 डाला तो ये आपका 80 का हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप सर? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब जैसे कि तीन एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब इस तरह से मैं एग्जाम्पल बताते जाऊंगा, आप जी सर करते जाएंगे तो उसे समझ में आपको नहीं आए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ईमेल भेज रहे हैं, हमने एक एक आपको व्हाट्सएप पे मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन का एक भेजा है फोटो। यहां देखिए, तो इस इक्वेशन को आप क्या करें, वीवीए प्रोग्रामिंग से करके मुझे उसकी कोड भेजें। इससे क्या हुआ कि आप ब्रैकेट्स और डेटा टाइप्स को अच्छे से समझ जाएं।